बाल गणेश की जय हो, गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपके घर भी बाल गणेश आए हैं, गणपति बप्पा आए हैं, तो आप भी ज़रूर उनके लिए बहुत सारे मोदक बना रहे हो। और उसी से जुड़ी एक बहुत ही डिलीशियस सी मोदक की रेसिपी है ये। यहाँ पर आपको लेना है बहुत सारा नटेला। आप जितने मोदक बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नटेला यूज़ करना है। मैंने यहाँ सिर्फ 3 से 4 चम्मच नटेला यूज़ किया था, जिसमें से मैंने टोटल 9 पीस मोदक बनाए थे। इन नटेला को आपको एक पाइपिंग बैग में अच्छे से फिल कर लेना है और टाइटली इसे रबर बैंड से या फिर एक नॉट से बांध कर रेडी कर लेना है। और इस तरह से हर्शीज के जो किसेस चॉकलेट्स आते हैं उसका मोल्ड मिलता है मार्केट में, जो बिल्कुल छोटे मोदक की तरह दिखता है, तो इसमें सारे नटेला आपको अच्छे से मोदक के शेप में फिल कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है, ताकि ये परफेक्टली शेप आउट हो जाए। इसके बाद 100 ग्राम बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आपको बटर यूज़ करना है। मैंने यहाँ बटर यूज़ किया है, आप चाहे तो घी यूज़ करें। घी अगर आप लें तो थोड़ा जमा हुआ लें, आप डालडा यूज़ कर सकते हैं, बट आप तेल बिल्कुल भी ना लें। इसे आपको अच्छे से बीट करना है ताकि ये कलर चेंज हो जाए। उसके बाद लेना है आपको 1/4 कप प्योर शहद, आपको यहाँ पर यूज़ करना है। शहद आपके पास नहीं है तो आप मेपल सिरप यूज़ कर सकते हैं, जैगरी यूज़ कर सकते हैं, वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे शुगर फ्री बनाया है और इसलिए और थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश की है, ताकि ये सब कोई अच्छे से खा सके। इन दोनों ही चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि आपका जो बैटर है बिल्कुल ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। अब यहाँ पर आपको लेना है 1 कप आटा। जी हाँ, पूरा 1 कप भरकर आपको यहाँ पे आटा यूज़ करना है। बिल्कुल परफेक्टली ये तीनों ही चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएंगी। कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपको यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं यहाँ इसे मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स कर लेना है। गणपति बप्पा को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि गणेश चतुर्थी के बीच में भी मैं आप सबके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए, ये डो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और अब मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट, ये 2M का रियल चॉकलेट है, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यूज़ किया है। काफ़ी रूम टेम्परेचर में है, आप चाहें तो थोड़ा फ्रिज में रख करके भी इसे बाहर निकाल सकते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में इसे कट कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर 1/2 कप डार्क चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फिर से डो में मिक्सअप कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें डो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी समय आपको आपका जो OTG है उसे 160 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है। अब ये देखिए, हमारा जो नटेला था वो बिल्कुल परफेक्टली शेप में सेट हो चुका है। नटेला आप जैसे ही फ्रिज से निकालेंगे वो बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, तो कोशिश करें कि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आपको वो यूज़ करते नहीं बन रहा है तो आप उसे फ्रिज से निकाल कर ही यूज़ करें। देखिए, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्सअप कर चुके हैं। क्योंकि मैंने इसे मोदक का फॉर्म दिया है, ये नटेला कुकी मोदक है, तो मैंने इसके लिए मोदक का ये मोल्ड यूज़ किया था। आपके पास पीले रंग का एक छोटा प्लास्टिक का मोदक मोल्ड होगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने थोड़े बड़े साइजेस बनाए थे इसलिए इसमें सिर्फ 9 पीसेस बनकर तैयार हुए। अगर आप छोटे वाले मोदक बनाएंगे तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। डो आपको लेना है और अच्छे से टाइटली बिल्कुल इस मोदक के मोल्ड में आपको फिल करना है, और बीच में ये हर्शीज़ का जो हमने फिक्स करके चॉकलेट रेडी कर लिया था नटेला का, वो डाल देना है और फिर से उसे डो से कवर कर देना है, ताकि वो अंदर पैक हो जाए। इसी तरीके से सारे मोदक और सारे नटेला के जो छोटे छोटे हमने मोदक बना रखे हैं सेम शेप में आपको रेडी कर लेना है। और ये देखिए, हमारा जो कुकी डो मोदक है वो रेडी हो चुका है, बट अभी इसे बेक करना बाकी है। इसे मैंने बेक किया था पूरे 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर मिडिल रैक पर, और बेक करने के बाद हमारा मोदक कुछ इस शेप में आया था और बहुत ही परफेक्टली ये बेक हुआ था। आप भी अपने गणपति बप्पा को, बाल गणेश को, गजानन स्वामी को बनाकर खिला सकते हैं बेक्ड हेल्दी, वो भी शुगर फ्री चॉकलेट वाले मोदक, क्योंकि बाल गणेश आए हैं घर पर तो उन्हें भी चॉकलेट पसंद है। मैं अपने घर पर हमेशा बाल गणेश लाती हूँ, जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं तब तक मेरे घर पर बाल गणेश आते हैं। तो ये बनकर तैयार है हमारा नटेला चॉकलेट कुकी मोदक। श्री गणेशाय नमः।